हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं छोले की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और प्याज। तो देखिए, मैंने पहले से इसका पेस्ट बना लिया है और ये पेस्ट इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। और ये आलू और छोले, मैं छोले के साथ आलू भी मिक्स करती हूँ। तो अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे और ये देखिए मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लौंग और काली मिर्च। इसमें ज़्यादा खड़ा मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आ जाता है। और अब मैंने ये ऐड कर दिया है हरी मिर्च और अदरक और प्याज का पेस्ट। अभी मैंने सिर्फ यही ऐड किया है, हरी मिर्च, अदरक और प्याज। अब हम इनको अच्छी तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो भी पेस्ट बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मुझे टमाटर और अदरक और लहसुन को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर और हरा धनिया पाउडर डालूँगी मैं करीब 2 चम्मच। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला हमें थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। अब डालेंगे नमक, आपके स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी टमाटो प्यूरी रेडी है, इसे भी हमें इसमें डालना है। मैंने टमाटो के साथ सिर्फ 2 या 3 लहसुन को पीसा है। आप चाहे तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, आप सिर्फ टमाटो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद हमें इसे प्लेट डाल के और इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद देखेंगे हमारी ग्रेवी, देखिए ठीक हो गई है। उसके बाद हमें इसमें डालने हैं आलू और छोले दोनों। मैं सिर्फ छोले नहीं बना रही हूँ, मैंने आलू और छोले दोनों की मिक्स सब्जी बनाई है। तो आप इस तरह से बनाएंगी तो आपको देखिएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। अब मैंने डाल दी इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। मैं इसको ज़्यादा पानी वाली नहीं बनाऊँगी, मैं इसको थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी रखूँगी और थोड़ा सा पानी। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। हमारी रेसिपी अब देखिए रेडी हो चुकी है।